मोर प्रिय बंधुगण, आई थिंक समस्ते बहुत ही भल थे और पढ़ापढ़ी बहुत ही भल चली थो। तो आमर बीओडी नाइन जो रही आमको क्वेश्चन कौन पचार ठीक अच्छे। बीओडी जो नाइन रही प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर कोर नाइन जो रही तार बहुत ही गुरुत्वपूर्ण इंपोर्टां सर्ट क्वेश्चन आउ लंग क्वेश्चन को बर्तमान करने जाऊँ एका सांगे। तो यही आमको क्वेश्चन पचार रसर संज्ञा संपर्क पचार रस र उत्पत्ति किपर हुए आमको पचार ये संपर्क में आमको क्वेश्चन पचार ही पचार गोटे ठीक अच्छे। आउ यही भितर सर्ट क्वेश्चन भी पचार ठीक अच्छे। तो आउ कौन पचार रसर संज्ञा उत्पत्ति आ प्रकार भेद संपर्क तो आमको पचार ही पचार रसर प्रकार भेद तापर ध्वनि विभागीकरण ता सहित उदाहरण भी आमको पचार ही पचार ठीक अच्छे। रस आउ ध्वनि आ ध्वनिर संज्ञा स्वरूप भी आमको पचार ही पचार ठीक अच्छे। तापर रीति रीतिर संज्ञा स्वरूप पचार ही पचार प्रकार भेद भी पचार हे। तापर ए काव्य रही काव्य वक्रोक्ति महत्व प्रतिपादन कर बहुत ही इंपोर्टेंट अटे। जदि मुझे कहबि सर्ट क्वेश्चन कथा जब आपको कहबी केमती क्वेश्चन पचार सर्ट क्वेश्चन आमको पचार स्थायी भाव कहले कौन बुझ अनुभव कौन भरत नाट्यशास्त्र केतोटी रस उल्लेख अच्छी ध्वनि क्या कहुए ध्वनिवादी मतरे काव्य केते प्रकार कौन कौन रीतिवाद प्रतिष्ठा था विशिष्ट पद रचना कहले कौन वक्रोक्ति केते प्रकार यही टाइप आम क्वेश्चन पचार ठीक अच्छे। तो चलते डेरी न करके आम इंपोर्टेंट सर्ट क्वेश्चन लंग क्वेश्चन को एका सांग आम फुल कवरेज कर ठीक अच्छे। बीओडी नाइन ब्लॉक वन रस आउ ध्वनि संपर्क रही ठीक अच्छे। रस आउ ध्वनि संपर्क तो आमको सर्ट क्वेश्चन पचार ही पचार लंग क्वेश्चन भी आसब ही आसब। तो रस प्रथम हेडिंग देद रसर संज्ञा स्वरूप ठीक अच्छे। तो आधुनिक ओडिया साहित्य आम अलंकार शास्त्र ये रचित हो ठीक अच्छे। अलंकार शास्त्र ये आधारित हो रही। तो ये आम देखा रस संपर्क ठीक अच्छे। रसर मतवाद कौन रही ये संपर्क आम देखा। तो आमको मन रखापी पड़ो कौन मन रखापी पड़ो आमको मन रखापी पड़ो जो ऋग वेद ठू आरंभ कर उपनिषद पर्यंत पुणी जास्क तथा रामायण रे रसर विभिन्न अर्थ संपर्क आलोचना करेपर रस संपर्क प्रथम बेचना भरत नाट्यशास्त्र देखा मिलता है। तो आमको ये गोटे सर्ट क्वेश्चन पचार जे रस संपर्क प्रथम बेचना कहाँ का पुस्तक देखा मिले ताले कौन कर भरत नाट्यशास्त्र कर ठीक अच्छे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे। आक मैंने कहती कहीं कहीं नंदीकेश्वर को बोली एमती जुक्ति बाढ़ती ठीक अच्छे एमती जुक्ति करती कहीं कहीं लोक एमती भी अच्छा ठीक अच्छे। तो मन रख भरत मुनि ठीक अच्छे। भरत मुनि नाट्यशास्त्र देखा मिलता है। तो जदि आम देखा आचार्य ममट राज शेखर भोजराज विश्वनाथ कविराज कवि कर्णपुर जगन्नाथ ये मैंने रस को काव्यर महत्व अंग आत्मा भाव मैंने ग्रहण कर। तो मन रख आमर साहित्य दर्पण रचयिता किए आमको पचार ताले कौन कह विश्वनाथ कविराज कर ठीक अच्छे। तो ये साहित्य दर्पण में रसर स्वरूप संपर्क देखा मिलता है ठीक अच्छे। तो रसर स्वरूप हेडिंग दे दियो। तो यही गोटे आमको सर्ट क्वेश्चन पचार ही पचार ठीक अच्छे। लिखि रख बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। रस धातु अच प्रत्यय जुगे रस शब्द निष्पन्न होार अर्थ हो आस्वादना अर्थात आस्वाद्यते इति रस जहाँ आस्वादित होते ही रस ठीक अच्छे। भरत मुनि रसर परिभाषा दे कही विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सनिष्पत्ति अर्थात स्थायी भाव सहित विभाव अनुभव आ संचारी भाव संयोग घटिले मिसीगले रस निष्पत्ति होता है कही किए कही भरत मुनि कही। तो रसर स्वरूप संपर्क विभिन्न आचार्य मत प्रदान करते मत तो देखते किंतु विश्वनाथ कविराज मत अधिक मौलिक बोली मन होता है। तो से कौथे मत दे साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज ठीक अच्छे। तो से कौन लिखी थे आप देखिपी विभावानुभावेन व्यक्त संचारिणा तथा तापर रसतामेती रि स्थायी भाव
सचेतसाम एमती लिखिंट ठीक अच्छे तो यहाँ अधिक रू अधिक मौलिक बोली मन रखापी पड़ो जे श्लोक जो रही श्लोक देखी पड़ से ये श्लोक लिखिं आमर साहित्य दर्पण जनक ठीक अच्छे किए प्रतिष्ठाता आमर विश्वनाथ कविराज ये श्लोक को विश्लेषण कले जदि आम देखा रस दस टी विशिष्ट ये ठीक अच्छे तो से गुड़िक कौन कौन अटे प्रथम रस सत्य गुण उद्रेककारी रस अखंड रस स्वप्रकाश रस आनंदमय रस चिन्मय तापर रस विद्या रस विद्यांतर स्पर्श शून्य रस ब्रह्मानंद सहोदर तापर रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण आ रस अलौकिक आनिर्वाचनीय आ रस सहृदय संवेद्य तो रसर प्रथम आ गुरुत्वपूर्ण दिग हूँ या हृदय सत्व गुणर जागरण करते सत्व रजह एवं तम मनीष योटी गुणर अधिकार ठीक अच्छे रजह रजह गुण तथा तम गुण मनीष हृदय लोभ मोह ईर्षा घृणा आदि नकारात्मक भाव सृष्टि ठीक अच्छे तापर रसोपलब्धि क्षेत्र में यह दुईटी गुण विशेष बाधक साजी थाए तो सहृदय ही गुणर कबलित तो हेले रस उपलब्धि करी पारे नहीं तो केवल सत्व गुणर अधिकारी माने ही रस उपभोग करी पारी थांती ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर तापर रस को खंड खंड कोई भोग भाग करवा संभव हो न रस हूँ अखंड ठीक अच्छे तो यह हूँ गोटे निरवच्छिन्न प्रक्रिया आमको क्वेश्चन पचार रस हूँ डैश प्रक्रिया रस हूँ आम गोटे निरवच्छिन्न प्रक्रिया विभाव अनुभाव आउ संचारी भाव आदि विभिन्न भाव को अवलंबन कर अनुभूत होता रस हूँ अखंड जेपरी जदि आम देखा प्रपानक सरबत मधुर लवण अम्ल थंडा आदि पृथक स्वाद न आसी गोटे सामूहिक स्वाद आसी था अनुरूप विभाव अनुभाव संचारी आ व्यभिचारी संचारी भाव को आ कौन कहुए व्यभिचारी भाव भी कह जाए तो यहाँ को अलग बा पृथक सत्ता रस आस्वादन समय जाणी हो न थाए ठीक अच्छे तो एक सम्मिलित प्रक्रिया द्वारा रस अनुभूत होथबारु रस होउछि अखंड ठीक अच्छे पुणी जदि आम देखा रस प्रकाश करिबार क्षमता कहार भी न थाए तेणु रस होउछि स्वप्रकाश निजर ठीक अच्छे तो विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव मिलन घटे आपे आपे प्रकाशित होता है रस तो शब्दर आम कतोटी शक्ति रही शब्दर तीनोटी शक्ति रही गोटे अभिदा शक्ति लक्षण शक्ति आ गोटे हूँ व्यंजना शक्ति तो अभिदा लक्षण आ व्यंजना व्यक्ति रेके अने एक अलौकिक शक्ति द्वारा यही रसटा प्रकाशित होता है कहुई रस व्यंग्य व्यंजना गम्य हो व्यंजना पर ज्ञान विशेष हो रस निज को केवल प्रकाश कर क्षमता रखी थाए तेणुक से रस हूँ स्वप्रकाश ठीक अच्छे रस आनंदमय कहीं आनंदमय कारण रस उपभोग समय सहृदय निजर हृदय आनंद व्यतीत अगर किसी उपलब्धि कर पारि न था रस तो यस समय से कौन सी जदि आम देखा यही समय रे ना रस हवा समय रे से लौकिक जगतर समस्त विषाद आ दुख को विस्मरण होता है दुखातक नाट दर्शन चक्षु लोत काफ्लुत हेले हैं ता दुखर नुहे आनंदर लक्षण कारण चित्त द्रवीभूत होता है दुखद दृश्य दर्शन तेणु वियोगांतक नाटक दर्शन चक्षुर जो लोतक झरी थाए ता ही आनंदर लक्षण ठीक अच्छे तो लौकिक जगत में दुख कारण दुखर उत्पत्ति होता है किंतु रस अलौकिक अर्थात विभावादी अलौकिक कारण होवल दुखर उत्पत्ति होता है ठीक अच्छे तापर रस चिन्मय कहीं चिन्मय चित्त बा हृदय को जहाँ विस्तारित करे चिन्मय बोली कह जाए रस उपभोग समय कौन से प्रकार भावात्मक तिरुभाव हो न था पुणी
ରସୋପଭୋଗ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବ ବା ଚେତନା ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରି ନଥାଏ। ଲୌକିକ ଜଗତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁ ଭାବ ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥାଏ। ବରଂ ହୃଦୟ ଏକ ଅଲୌକିକତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠୁଥିବାରୁ ତାହା ଚିନ୍ମୟ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରସ ସ୍ୱାଦ ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଜାଗରିକ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନଥିବାରୁ ତାହା ବେଦ୍ୟାନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ଶୂନ୍ୟ। ଉପଭୋକ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଲ୍ଲୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗତିକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଠାରୁ ଥାଏ ଯଥେଷ୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେହିପରି ରସ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱାଦ ସହୋଦର, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସହୋଦର ସଦୃଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରସ ଉପଭୋକ୍ତାକୁ ସାଂସାରିକ ଉପଲବ୍ଧି ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱାଦ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ବିଲକ୍ଷଣ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଉ ରସାନନ୍ଦ ଏକ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଉପଭୋଗ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଆସିଥାଏ, ରସ ସ୍ୱାଦ ବେଳେ ସାମାଜିକ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆସ୍ୱାଦନ ପରେ ନାଟକ ଦର୍ଶନ ବା ପୁସ୍ତକ ପଠନ ପରେ ସେ ପୁଣି ଲୌକିକ ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଲାଭ ପରେ ମଣିଷ ଆଉ ଲୌକିକ ଜଗତକୁ ଫେରି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାହା ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱାଦ ସହୋଦର, ରସ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱାଦ ସହୋଦର। ତ ରସ ଲୋକୋତ୍ତର ଚମତ୍କାର ପ୍ରାଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରସ ଆସ୍ୱାଦନା ର ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଲୌକିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବ, ଏବେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୂତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତ ମୁନି ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ରସ ପରିଭାଷା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଭାବାନୁ ଭାବ ବ୍ୟଭ ଚାରି ସଂଯୁଗାଦ୍ର ସନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସହିତ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ଆଉ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ସଂଯୋଗ ଘଟିଲେ ଆମର ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଲୌକିକ ଜଗତର କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସହକାରୀ କାରଣ କାବ୍ୟ ଜଗତର ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ଆଉ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପ୍ରଥମେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର ୱାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରହିଛି। ତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଭାବ ବିନାଶ ନଥାଏ, ଯେଉଁ ଭାବର ବିନାଶ ନଥାଏ ତାହା ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅନୁଭବର ସଂସ୍କାର ମଣିଷ ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ମଣିଷ ସହିତ ଆସିଥାଏ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ବାସନା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ତ ବିଭାବ ଅନୁଭବର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଆତ୍ମା ସହିତ ବାସନା ରୂପେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ମନ ଅବଚେତନ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପର ଜନ୍ମରେ ତାହାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେ ରସ ସେତିକିଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ରସର ସତ୍ତା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ସହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରସ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ଏହା ହେଉଛି ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ସଦୃଶ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଞ୍ଜିଟି ଯେପରି ମାଟି ପାଣି ପବନ ଲାଭ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଟି ପାଣି ପବନ ଲାଭ କରେ ତାପରେ ସେ ଗୁଜୁରିବା ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ବିଭାବ ଅନୁଭବ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରସ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଆସିଲେ ତାପରେ ବିଭାବ, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବିଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋକରେ ଯେଉଁମାନେ ରତି ଆଦି ଭାବର ପ୍ରକାଶକ, ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ବା ନାଟକରେ ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ବିଭାବ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବିଭାବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ବିଭାବ କେତେ ପ୍ରକାର, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କହିବ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଗୋଟେ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ହିଁ ପଚାରିବ। ତ ରସ ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ
नायक आउ नायिका परस्पर उपर आलम्बन अवलम्बन आशय कहूर से मैंने आलम्बन विभाग ठीक अच्छे गोटे नाटक दुष्मंत आ शकुंतला परस्पर प्रति आलम्बन विभाग है ठीक अच्छे जदि आमको उदाहरण सह लेख तो यहाँ को उदाहरण देदेव कौन सी नाटक दुष्मंत आ शकुंतला परस्पर प्रति आलम्बन विभाग है आगे मन रख उद्दीपन विभाग कहले कौन जो विभाग रति आदि स्थायी भाव को उद्दीप्त करती से माने उद्दीपन विभाव जमीक चंद्र हो गला बसंत ऋतु तापर निर्जन स्थान पवन तापर भ्रमर गुंजन आदि नायक नायिका प्रेम भाव को उद्दीपन कर उद्दीपन विभाव भाव में परिगणित होती ठीक अच्छे तापर अनुभव तो अनुभव ठीक अच्छे भाव को जी अनुसरण कै सी हूँ अनुभव ठीक अच्छे जिते बेले इत्यादि भाव जदि देखा जिते बेले भाव अंकुरित तो प्रकाश लाभ कै अनुभव को कह ठीक अच्छे लौकिक जगत में ताज रूप परिचित आ नायक नायक नायिका आंगिक वार्षिक सात्विक चेष्टा को अनुभव बोली कही था नायक नायिका परस्पर प्रति स्मित हास्य कटाक्षपात भ्रुभंगी एगुड़ी को अनुभव बोली कहते हैं संचारी भाव व्यभिचारी भाव कहले कौन देख जो भाव सर्वदा संचरणशील ता संचारी भाव ठीक अच्छे बी एवं अभिपूर्वक चोर बा चारी धातु इणी प्रत्यय द्वारा व्यभिचारी शब्द गठित तो आमको क्वेश्चन पचार जे व्यभिचारी भाव इ शब्द किपर गठित तो व्यभिचारी भाव ताल कौन कह बी एवं अभिपूर्वक चोर बा चारी धातु इणी प्रत्यय जोग होती व्यभिचारी शब्द गठित तो होती तो यार अर्थ जदि आम देखा विशेष रूपे समस्त अंगे व्याप्त हो रति आदि स्थायी भाव को संचारित बा अभिव्यक्त करचारी भाव बोली कह जाए थे। तो सब बेले रसर अनुकूल जाए यहाँ ठीक अच्छे तो विभिन्न समय रस सृष्टि यह बाधा जन्माइवा पर प्रतीयमान हेले हैं प्रकृत यह बाधा जन्माइ न थाए ठीक अच्छे मानसिक स्तर में यह किसी समय पर उद्रेक हो पुणी विलीन हो जाए तापर ग्लानी शंका असूया श्रम आलस्य चिंता मोह श्रुति बीड़ा चपलता हस आवेग तापर उन्माद आदि भाव यह संख्या कैसे रही 33 टी तो आमको क्वेश्चन कौन पचार क्वेश्चन पचार संचारी भाव संख्या कैसे पचार ठीक अच्छे ये 33 टी मन रख आमको सर्ट क्वेश्चन पचार आउ चित्तर आनंद स्थिति होची रस ठीक अच्छे आउ यही रस उपभोग जो रही विभाव गुड़िक विभाव अनुभव संचारी भाव युड़िक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे रसर उपभोग ठीक अच्छे तापर रसर प्रकार भेद प्रयोग संपर्क देखा तो रसर प्रकार भेद को नहीं कि आचार्य मैंने विभिन्न मत दे तो भरत नाट्य नाट्यशास्त्र रसर संख्या समुदाय 8 बोली निरूपण करते मन रखिबो आमको क्वेश्चन पचार ही पचार सर्ट क्वेश्चन नाट्यशास्त्र भरत मुनि रसर संख्या 8 बोली निरूपण करते टोटाल ठीक अच्छे सब आई 8 रस हूँ श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभस अद्भुत तो परवर्त समय मन रखिब 8 बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कहीं लंग क्वेश्चन लेखापी पड़ो प्रथम श्रृंगार रस तापर हास्य रस करुण रस रौद्र रस वीर रस भयानक रस तापर विभस रस तापर अद्भुत रस ये कह प्रथम 8 तो एथिर जना पड़ी जे आमर भरत मुनि ही प्रथम रस संपर्क मत दे तो मतवादर आमर किए दे प्रथम भरत मुनि भरत मुनि होती जन रसवाद प्रथम प्रतिष्ठाता कहीपरि ठीक अच्छे से प्रथम 8 तो परवर्ती समय रुद्रट आनंदवर्धन अभिनव जगन्नाथ ये मैंने आलंकरिक गण नवम रस भाव शांत रस को ग्रहण करात रस को आ विश्वनाथ कविराज दशम रस भाव बात्सल्य रस को सी ग्रहण करापर
गौड़ीय संप्रदायर आचार्य आमर किए रूप गोस्वामी से भक्ति रस को एकादश रस भाव से ग्रहण करते तो तेबे जदि आम देखा आलंकरिक नौटी रस सपक्ष से मानकर मत प्रदान करते ठीक अच्छे तो अलंकार शास्त्र प्रत्येक रस रही गोटे स्थायी भाव वर्ण देवता गुण रीति वृत्ति एमती रही तो इतने देखी पाच आमर रस रही प्रथम श्रृंगार तापरे हास्य रस तापरे करुण रस तापरे रौद्र रस तापरे वीर रस तापरे लाटी रही ठीक अच्छे लाटी रही भयानक रही विभत्स रस तापरे कोमला रस तापरे अद्भुत रस तापरे शांत रस तापरे बासल्य रस तापरे एमती रही ठीक अच्छे तो ये संपर्क आम देखे ओडिया साहित्य विभिन्न रसर प्रयोग केमती होती ठीक अच्छे श्रृंगार रस प्रथम कौन रही श्रृंगार रस समस्त रस मध्य श्रृंगार रस गोटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे कहीं श्रृंगार रस राज भाव ख्यात आमको क्वेश्चन पचार आदि रस बोली क्या कहुए तेल कौन कर श्रृंगार रस कर ठीक अच्छे आनंदवर्धन ये श्रृंगार रसर गुरुत्व उपलब्धि कर से धनिया लोक से कौन लिखिंट आमको क्वेश्चन पचार धनिया लोक ये ग्रंथर रसईता कि आनंदवर्धन करदेव ठीक अच्छे से एमती मत देपर भोजराज भोजराज रसर महत्व उपलब्धि पूर्वक से श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथरे से प्रकाश करी श्रृंगार रस व्यतीत के काव्य रस शून्य होता है से दृढ़ स्वर से घोषणा कर तो मन रखिबो श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ यार रचयिता किए भोजराज कर ठीक अच्छे भोजराज तापर गौड़ीय वैष्णव धर्म श्रृंगार रस उज्ज्वल रस नाम ख्यात ठीक अच्छे गौड़ीय वैष्णव धर्म मन रखिब बहुत ही इम्पोर्टेंट गौड़ीय वैष्णव धर्म श्रृंगार रस ये नाम विख्यात ताल कौन कर उज्ज्वल रस ठीक अच्छे उज्ज्वल रस तो श्रृंग एवं आर शब्द द्वय संयोग श्रृंगार शब्दी गठित जार अर्थ हूँ काम भावर संवर्धन बा उद्रेक ठीक अच्छे रति हूँ श्रृंगार श्रृंगार रसर स्थायी भाव उत्तम स्वभाव नायिका और दक्ष नायक यार आलम्बन विभाव अटे ठीक अच्छे तापर चंद्र उपवन पक्षीर काकली ठीक अच्छे चंदन युड़ कौन अटे उद्दीपन विभाव तापर कटाक्ष पात स्मित हस युड़ अनुभव अटे उग्रता आलस्य जुगुप्सा युड़ संचारी व्यभिचारी भाव अटे ठीक अच्छे तो भरत नायक दृष्टिभंगी अनुजाई श्रृंगार धर्म श्रृंगार अर्थ श्रृंगार विनिमय से परकिया व सामान्य सहित से संपर्क एवं कामना श्रृंगार एमती तीन भाग विभक्त करते ठीक अच्छे आमको पचार जे भरत नायक दृष्टिभंगी अनुजाई इटाकु तीन भाग विभक्त करते भाग धर्म श्रृंगार अर्थ श्रृंगार आउ काम श्रृंगार इटा को मन रखा पड़ो तीन भाग विभक्त करते तो नायक नायिका संपर्क अनुजाई यह संभोग श्रृंगार आ विप्लम्ब श्रृंगार एमती दुई भाग विभक्त करते नायक आयिका संपर्क अनुजाई ठीक अच्छे आमको पचार नायक आयिका संपर्क अनुजाई के भाग विभक्त कर ठीक अच्छे तेल दुई भाग गोटे संभोग श्रृंगार आ गए विप्रलम्ब श्रृंगार तो जोठारे रति संजोगे परिपोषक अर्थात नायक नायिकार मिलन में कौन सी बाधा न थाए बा से निर्विरोध मिलन होता है ताको संभोग श्रृंगार कहुठार मिलन पर अत्यंत इच्छा बा उत्कट आकांक्षा सत्वे मिलन हो पार न थाए ताकू विप्रलम्ब व वियोग श्रृंगार कहुए तो विप्रलम्ब श्रृंगार चारोटी पक्ष रही गोटे पूर्वराग मान प्रवास और करुण ठीक अच्छे तो एमती रही तो मन रखिबो कौन मन रखिबो
ଦେଶାନ୍ତର ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିରହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ପ୍ରବାସ ବିପ୍ରଲମ୍ବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକା ମଧ୍ୟରେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ପୁନର୍ବାର ସେହି ଜନ୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜଣକ ଜୀବିତ ଥାଇ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ବା ବିରହ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ତାକୁ କରୁଣ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହାସ୍ୟରସ, ତ ହାସ୍ୟରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ହାସ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେ ତ ଦେବତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସରି ପ୍ରମଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକୃତ ଆଚରଣ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ରେକ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦୀପନା ବିଭାବ କହିବା। ତାପରେ ଚକ୍ଷୁ ସଙ୍କୋଚନ, ବଦନ ବିକାଶ ଏଇଟାକୁ ଅନୁଭବ ବୋଲି କହିବା, ନିଦ୍ରା ଆଲସ୍ୟ ଏଇକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ କହିବା, ଆତ୍ମସ୍ଥ ପରସ୍ଥ ଦେହରେ ହାସ୍ୟରସ ଏମିତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ରହିଛି କରୁଣରସ। ତ ଇଷ୍ଟଜନର ବିନାଶ ବା ଅନିଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ତାକୁ କରୁଣରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଶୋକ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଶୋକ ବା ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ ସେ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାହ ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ତାପରେ ଦୈବ ନିନ୍ଦା, କ୍ରନ୍ଦନ, କାନ୍ଦିବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ବୈବର୍ଣ୍ଣୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଲାପ, ତାପରେ ଗ୍ଲାନି ଶ୍ରୁତି ବିଷାଦ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଅନୁଭବ, ତାପରେ ବିଭାବ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଧନ ହୋଇଥିବା କଂସ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ରାଣୀମାନଙ୍କର କଂସର ମୃତ ଶରୀର ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ମରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ତାପରେ କାନ୍ଦିବା ତ ଅନୁଭବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ତାପରେ ରୌଦ୍ରରସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରୌଦ୍ରରସ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ। ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର। ତାପରେ ଶତ୍ରୁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଶତ୍ରୁର ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ, ଶତ୍ରୁ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ବାହୁସ୍ଫୋଟ, ଗର୍ଜନ, ତର୍ଜନ ଏଇଟାକୁ ଅନୁଭବ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ରୋମାଞ୍ଚ, ସ୍ୱେଦ, ଆବେଗ, ଉଗ୍ରତା ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଛି ବିରହରସ। ତାପରେ ଦେଖ, ହସ୍ତି ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରୌଦ୍ରରସର ହସ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ତାପରେ ତାର ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ଦେଇଛି, ଏ ପଦ୍ୟର ଦେଇଛି, ହେଲା, ଏ ପଦ୍ୟର ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ରକ୍ତଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି କ୍ରୁର ଭାବେ, ଏଇଟା ଅନୁଭବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଏଥିର ଏ ପଦ୍ୟର ଅଟେ। ତାପରେ ବିରହରସ, ବିରହରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଉତ୍ସାହ ଅଟେ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର, ବନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବନ ପରି ଯାହାକୁ ଜୟ କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ତାପରେ ପ୍ରତି ନାୟକର ଚେଷ୍ଟା ଏଇଟା ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ, ସାହାଯ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ଏଇଟା ଅନୁଭବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମତି ଗର୍ବ ଶୁଣତି ଏଇଟା ରୋମାଞ୍ଚ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ତାପରେ ରସ, ଗଙ୍ଗାଧରର ରଚୟିତା ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଦୟାବୀର, ଯୁଦ୍ଧବୀର ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାରି ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖିବ ଯେ ରସ ଗଙ୍ଗାଧରର ରଚୟିତା କିଏ, ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରସ ଗଙ୍ଗାଧର ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଦାନବୀର, ଦୟାବୀର, ଯୁଦ୍ଧବୀର, ଧର୍ମବୀର ଭିତରେ ଚାରି ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏତେ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ଅଛି ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ଦେଇଛି ଏଠାରେ ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଭୟାନକ ରସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟ ହେଉଛି ଏ ଭୟାନକ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେବତା, ଯମ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୟାନକ ରସର ତାପରେ ଅବଲା, ନୀଚ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଟେ, ଏହାର ଆଶ୍ରୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି, କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଅତି ଭୟାନକ ରସର।
तापर जहाँ ठारु भय जात हुए से भयंकर बीज आलम्बरा विभाव तार चेष्टा हूँ उद्दीपन विभाव तापर गद गद स्वर रोमांच उग्रता इटा को अनुभव कह जुगुप्सा आवेग तापर शंका मृत्यु युड़ व्यभिचारी भाव बोली कह भयानक रस अच्छे विभत्स रस तो यही रसर स्थायी भाव हूँ जुगुप्सा वर्ण हूँ नील ठीक अच्छे विभत्स रसर देवता होती महाकाल पचासढ़ा रक्त मांस युड़ हूँ आलम्बन विभाग पोक पड़ा हूँ उद्दीपन विभाग बांति मुख आखि बंद युड़ एमती है आखि बंद है बांति कहवा मुख घूर्णन ठीक अच्छे मुंड घूर्णन युड़ हूँ अनुभव मोह अपस्मार आवेग व्याधि युड़ मृत्यु युड़ व्यभिचारी भाव अटे ठीक अच्छे तापर अद्भुत रस तो विस्मय अद्भुत रसर स्थायी भाव अटे देवता हूँ गंधर्व अद्भुत रसर देवता गंधर्व वर्ण हूँ पीत जेकोसी अलौकिक पदार्थ यार आलम्बन विभाव आलम्बन विभाग विभिन्न गुण तापर उद्दीपन विभाग अटे यहाँ आलम्बन व्यवहार विभिन्न गुण हूँ उद्दीपन विभाग तापर स्तंभ स्वेद रोमांच गद गद स्वर युड़ हूँ अनुभव वितर्क आवेग भ्रांति हर्ष युड़ हूँ व्यभिचारी भाव ठीक अच्छे शांत रस तो शांत रस स्थायी भाव हूँ सम उत्तम प्रकृतिर व्यक्ति हूँ यार नायक तापर कर्ण कुंद फूल तापर वर्ण जदि देखा कुंद फूल ठीक अच्छे इंदु तुल्य शुक्ल तापर देवता हूँ नारायण तापर नश्वरता परमात्मा ज्ञान युगुड़ हूँ आलम्बन विभाग पवित्र आश्रम तीर्थस्थान देवक्षेत्र आदि उद्दीपन विभाग तो रोमांच इत्यादि अनुभव एवं निर्वेद हर्ष युगुड़ हूँ व्यभिचारी भाव संचारी भाव तापर बात्सल्य रसर स्थायी भाव जदि देखा वत्सलता रूप स्नेह सतान हूँ आलम्बन विभाग से मानकर आकर्षण कार्यकलाप हूँ उद्दीपन विभाग आलिंगन करवा चुंबन करवा युगुड़ हूँ अनुभव तापर हर्ष गर्व करवा यहाँ हूँ व्यभिचारी भाव तो वात्सल्य रसर वर्ण हूँ पद्मकोश पी देवता होती गौरी आदि षड़ मातृगण ठीक अच्छे तापर भक्ति रस भक्ति हूँ यार स्थायी भाव भगवान एवं तांकर बल्लभ रूप आलम्बन भगवान गुण चेष्टा युगुड़ हूँ उद्दीपन विभाग नृत्य गीत हूँ अनुभव रोमांच सात्विक भाव निर्वेद युगुड़ हूँ व्यभिचारी भाव ठीक अच्छे तो एमती रही तो आमको क्वेश्चन पचार डायरेक्ट क्वेश्चन रस क्या कहुए रस विचार विभाव कौन अनुभव कौन व्यभिचारी भाव कह प्रकाशित होते रस निष्पत्ति उद्दीपक विभाग भूमिका कौन ताप शांत रस स्थायी भाव कौन आमको पचार तो रस निष्पत्ति किपरि हुए ठीक अच्छे रस कौन आमको क्वेश्चन पचार ही पचार ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर तापर आमको रस बाद आम विश्वनाथ कविराज संपर्क आमको क्वेश्चन पचार किए विश्वनाथ कविराज ता संपर्क भी आमको पचार कमी मत दे भरत मुनि केमती दे रस संपर्क रसर संज्ञा गोटे दिय पचार तो कौन कर डायरेक्ट भरत मुनि को लिखे भरत रस सूत्र हूँ विभावानुभाव व्यभिचारी संयुगाद्र सन्निष्पत्ति ठीक अच्छे तो परवर्त समय रस संपर्क जो आम देखा विभिन्न मत भी देखते आहरी ठीक अच्छे विभिन्न मत दे तो कौन कौन मत दे मतभेद विभिन्न रही रस निष्पत्ति संपर्क भरत रस सूत्र संयोग आष्पत्ति शब्द को आधार कर आचार्य मान मतभेद सृष्टि तो मतभेद को लेकिन चारोटी रसवाद हो भट्ट लुल्लट उत्पत्तिवाद श्री शंकुक अनुमितिवाद तापर भट्ट नायक भुक्तिवाद तापर अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद एमती हो उत्पत्तिवाद कहले कौन भट्ट भट्ट लुल उत्पत्तिवाद ठीक अच्छे उत्पत्तिवाद तो मन रख
ଭଟ୍ଟଲୁଲଟ ଥିଲେ ଜଣେ ମୀମାଂସକ। ତେଣୁ ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଠାରେ ରସ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଭରତଙ୍କ ରସସୂତ୍ର ସଂଯୋଗ ଶବ୍ଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭଟ୍ଟଲୁଲଟଙ୍କ ମତରେ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରାମ ଆଉ ଦୁଷ୍ମତଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଅଭିନୟ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତା ବା ଶକୁନ୍ତଳା ବିଷକ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମୂଲେ ଚରିତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ଦୁଷ୍ମତଙ୍କ ଠାରେ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ରହିଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଠି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ଭଟ୍ଟଲୁଲଟ କରିବ, ଅନୁମତିବାଦ ଶିଶଙ୍କୁ କଙ୍କ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁମତିବାଦ। ତ ନୟାୟିକ ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁକ ଅନୁମତିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେ ତାଙ୍କର ମତ ଏଥିରେ ରହିଛି। ତ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅନୁମତି ଭିତ୍ତିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଭରତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମତରେ ଅନୁମତି ଏବଂ ସଂଯୋଗର ଅର୍ଥ ଅନୁପାପ୍ୟ ଅନୁମାପକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବିଭାବାଦୀକୁ ଅନୁମାପକ ଆଉ ରସକୁ ଅନୁମାପ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲୌକିକ ଜଗତରେ ଜ୍ଞାନର ଚାରୋଟି ପ୍ରତୀତି ରହିଛି, ସତ୍ୟ ପ୍ରତୀତି, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତୀତି, ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତୀତି, ସଂଶୟ ପ୍ରତୀତି, ଏମିତି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମକୁ ପଚାରିବ ଯେ ଭୁକ୍ତିବାଦ, ତ ଭୁକ୍ତିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଟ୍ଟନାୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଂଖ୍ୟ ମତାନୁଯାୟୀ ଭୁକ୍ତିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଭରତଙ୍କ ରସସୂତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ଭୁକ୍ତି ଆଉ ସଂଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୋଜ୍ୟ ଭୋଜ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି ସେ ସାମାଜିକ ଠାରେ ରସର ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଶେଷତଃ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ରହିଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମତରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ତ୍ରୁଟି ବି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଭିଧା ଭାବକତ୍ୱ ଆଉ ଭୋଜକତ୍ୱ ତିନୋଟି ବ୍ୟାପାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ, ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ, ତ ଭରତଙ୍କ ସୂତ୍ରର ଆଉ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନବ ଭାରତୀ ଆଉ ଧନ୍ୟା ଲୋକର ଲୋଚନା ଟିକାରେ ପୂର୍ବ ମତ ଖଣ୍ଡନ କରି ନିଜର ମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ। ତାପରେ ସେ ଜଣେ ଆଲଙ୍କରିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଲଙ୍କରିକ ରୀତିରେ ନିଜ ମତ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାମାଜିକ ଠାରେ ରସାନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭରତଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଶବ୍ଦରେ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ବିଭାବାନୁଭାବ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଆଉ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନାଦ୍ର ବିବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ତଥା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦ୍ୱାରା ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ମତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମତବାଦର ନାମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ବିଭାବାଦୀ ସଂଯୋଗରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ନାମରେ ଅଲୌକିକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ରସବାଦ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଆଉ ରସବାଦ, ତ ରସବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଳଙ୍କାର ରୀତିବାଦ ଧ୍ୱନିବାଦ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିସାରିଥିଲା।
तो भरत नाट्यशास्त्र रस संपर्क आलोचना करते मुख्य नाट्य प्रति अधिक प्रजोज्य थिला। ठीक अच्छे तो आमको क्वेश्चन पचार साहित्य दर्पण प्रतिष्ठाता किए विश्वनाथ कविराज करदेव विश्वनाथ कविराज। तो साहित्य दर्पण विशेषत्व होउछि जे एथिरे अलंकार शास्त्र समस्त विभाग आलोचित होइछि आउ रसवाद उपर एही ग्रंथ रे विशेष गुरुत्व प्रदान करा जाइछि। आउ एही वाद प्रतिष्ठा पूर्वरु आलंकारिक मानक द्वारा प्रस्तुत प्रतिष्ठित अन्यान्य वाद गुड़िक सूक्ष्म अनुसंधान करिछंति। आउ पूर्ववर्ती आलंकारिक मानकर अलंकार ग्रंथ गुड़िक प्रभाव मध्य साहित्य दर्पण रे उपरे पड़िछि बोली कहिछंति। तापर रुद्रट काव्य रे रसर संयोजना जरूरी बोली से कहिथिले हे रसर प्राधान्य दर्शाई नहांती। तापर आनंदवर्धन काव्य स्यात्मा सई पार्थ कहिथिले से वस्तु ध्वनि आ रसादि रूप त्रिविध ध्वनि को काव्यासात्मा ध्वनि ही बोली से कहिथिबारु रस को संपूर्ण रूप से आत्मा भाव स्वीकार कहिथिबारु मने हुए नाही। तापर विश्वनाथ कविराज काव्य प्रकाश प्रदत्त बहु मत को से खंडन भी कहते साहित्य दर्पण विभिन्न बाद संप्रदाय संपर्क में आलोचना करा रस उपर विशेष गुरुत्व प्रदान करा जाइछि। तो ग्रंथर तृतीय परिच्छेद ए संपर्क में विस्तारित आलोचना रही तेणु रस को काव्यर आत्मा भाव प्रतिष्ठा देवा क्षेत्र में यह परिच्छेदर भूमिका बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। ठीक अच्छे तापर जदि आम देखा ये काव्य नाटक आलम्बन युड़ एमती रही तो विश्वनाथ कविराज यटा को से मत दे स्वीकार पाठ व आश्रय सहित सी संपर्क आवश्यकता रही है से मत प्रदान कर। तो रसर स्वरूप संपर्क विश्वनाथ कविराज से नौटी विशेषत संपर्क तो रसर विभावीकरण समय रे विश्वनाथ कविराज बासल्य रस को अन्यतम रस भाव ग्रहण करिसंते रस को बासल्य रस को आउ विश्वनाथ कविराज पूर्वरु बासल्य रस संपर्क कौनसी आलंकारिक प्रायत आलोचना करि नथिले। रस सिद्धांत संपर्क आलोचना करिबा समय रे पूर्ववर्ती आलंकारिक तथा चारोटी मतवादर प्रतिष्ठा आलोचना को गुरुत्व सहित तो आलोचना करिबा संगे संगे आवश्यक बेले निज स्वीकार मत पोषण करिसंति। तो विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण प्रकाश पूरे ही रस तत्वर गुरुत्व वृद्धि पाई और पांडित्यपूर्ण विश्लेषण रस को काव्यर आत्मा भाव प्रतिष्ठा करिबा क्षेत्र में विशेष भाव सहायता कर। ठीक अच्छे तो आमको ये क्वेश्चन पचार उत्पत्तिवाद कौन तापर अनुमतिवादर प्रवक्ता किए तापर भावकत्व तापर भोजतत्व कहले कौन तो ये जिनस को देखिकी थी वो भल से। ठीक अच्छे तो उत्पत्तिवाद आ अनुमतिवाद मध्य पार्थक्य कौन ये टाइप आमको क्वेश्चन पचार ही पचार ध्वनि स्वरूप प्रकार भेद संपर्क भी रही से। ठीक अच्छे तो ये संपर्क में परवर्त समय करवा तो भिडियो केमती लगेगा मतामत जानव चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने भूलना सो बर्तमान एति आउ परवर्त समय कह जो टेलीग्राम चैनल जॉइन है जॉइन हो सर्वप्रथम इनफर्मेशन पाया चाहते हैं भिडियो तलपटे लिंक अच्छी बर्तमान एति थैंक यू सो मच।